नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक वैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि आज हम एक ऐसी चीज़ को जानेंगे जो बहुत ही अच्छी चीज़ है और सभी को वो चीज़ करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि हमारा टॉपिक आज का है कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और केवल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको बना सकता है करोड़पति। हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा ज़रूर अजीब लग रहा है मगर ये बिल्कुल सही है। और कैसे है आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि केवल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यदि आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और मात्र 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका जो 1,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बन जाएगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपका जो है पैसा करोड़ में बदलता है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं म्यूचुअल फंड का जो मैंने यहाँ पे कुछ ओपन करा हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से परफॉर्म करता है जनरली, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग तरह जो यहाँ पर टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पर देखिए तकरीबन कितना जो है रिटर्न यहाँ पर मिला हुआ है। 3 साल का यहाँ पे पीरियड लिया हुआ है हमने, तो आप देखेंगे 21% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। और ये एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ, इसने जो है 19% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है, 17% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। तो इससे कुछ आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि कितना मैक्सिमम जो है रिटर्न हमें एक ऑन एन एवरेज हमें कितना रिटर्न हमें मिल जाता है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये 20%, 19%, 17% बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है दोस्तों। यदि आपका जो फंड है आपने अच्छा फंड सेलेक्ट करा हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 13.77% का रिटर्न है, 16% का रिटर्न है, यानी ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो 14-15% का रिटर्न यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से आसानी से आप कमा सकते हैं। और अलग अलग टाइप के हैं, टैक्स सेवर भी है, टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। देखिए टैक्स सेविंग के यदि आप फंड्स को देखें टॉप, तो यहाँ पर 19%, 18%, 17%, 16%, 11%। और हाइब्रिड में देखें तो 14%, 13%, 13% और 11% से ऊपर के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। ऐसे ही अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, ये हालांकि टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, आप का जो सिलेक्शन है म्यूचुअल फंड्स में वो अच्छा होना चाहिए। उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए जो है एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं जरूर पोस्ट करूंगा, बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो भी एनालिसिस हम दोस्तों करते हैं किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये सब आप सीखते रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सिंपल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो आपको अच्छा खासा यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये से ऊपर का अमाउंट आपका बन जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 14-15% का रिटर्न भी मिलता है और मैं आपको इसको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा ये जो है एक्सिस का मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है, आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा कुछ YouTube प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मुझे कुछ चीज़ें जो है मैं आपको अपना पोर्टफोलियो एग्जैक्टली तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है हाइड कर दिया है नाम और इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो आप जो देखें यहाँ पर, ये देखिए यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 24% का रिटर्न है, समझ रहे हैं आप, 24% का रिटर्न बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है 24% का रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर मैंने हाइड करा हुआ है कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में आपको दिखा देता कि कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है और कितना आप जो है यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे और कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिंपली। या देखिए आप यहाँ पर यदि आपने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा है पर मंथ तो आपको ऑलमोस्ट जो है 35 साल तक आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैं 15% के हिसाब से ही मान लेता हूँ कि रिटर्न कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट यदि आप करेंगे 15% का रिटर्न तो कितनी वैल्यू आती है, देखिए देखिए दोस्तों ये देखिए
1.4 करोड़, यानी 35 ईयर्स तक आप यदि 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाती है, जो टोटल रिटर्न जो वैल्यू बन जाती है, वो बन जाती है 1.5 करोड़, टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट। देखिए टोटल वैल्यू, और जो गेनिंग हुई है वो हुई है 1.4 करोड़। तो दोस्तों ये सिर्फ 1,000, लेकिन आप यदि थोड़ा जल्दी समय में चाहते हैं तो और आप अपने इनकम के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। यदि मैं इसको 1,000 से बढ़ाकर लेट सपोज 5,000 कर देता हूँ, यदि आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको मैं हटा के जो है 25 कर देता हूँ, तो आइए देखते हैं कितना रिटर्न आता है 25 साल तक यदि हम इसको करते हैं। ये देखिए 1.6 करोड़, यदि आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 25 साल में, तो आपकी जो जो रिटर्न वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़। और जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा कितना, केवल 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ आपका और वैल्यू हो गई 1.5 करोड़। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है। सही म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, और आपको जो है बहुत ही पेशेंसली जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और रेगुलर बेसिस पे करनी है, और आप जो है आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यदि आपकी आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है, आप इसे रेगुलर बेसिस पे बढ़ा भी सकते हैं। यदि मैं मान लूँ आप जो है इसमें 10,000 रुपये लगभग इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, और यदि आप इसको कम कर दें, यदि आप टेन्योर कम करना चाहते हैं अपने एज के हिसाब से, तो वो भी आप कर सकते हैं। हैं जिस हिसाब से आपकी अर्निंग्स है उस हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यानी आप 10,000 रुपये करते हैं तो आप केवल 20 साल में आपका जो पैसा है वो तकरीबन 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा, रिटर्न आपका उसी हिसाब से होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड जो सिलेक्शन है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों, और वो आपको शुरू के 1 या 2 साल में पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की जो जो हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करा हुआ है वो किस हिसाब से चलने वाला है, और उसके अंदर क्या कैसे उस फंड वो जो फंड है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, म्यूचुअल फंड में आप बाय कीजिए, लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो सिंपल आप म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन चुन सकते हैं और लंबे समय तक के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यही आप यदि जो है 10,000 को बढ़ाकर यदि 15,000 कर दें पर मंथ, और इसको उठा के जो है कर दीजिए 15 ईयर्स, तो देखिए कितना रिटर्न आता है। देखिए पूरा 1 करोड़ रुपीस आ जाता है 15 साल में, यानी 15 साल का तक यदि आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको तकरीबन तकरीबन जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्सपेक्टेड अमाउंट 1 करोड़ मिलेगा। यानी आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो रहेगी 27 लाख, और जो आपको जब वो वेल्थ जो गेनिंग होगी तकरीबन होगी 75 लाख रुपए के आसपास, 74.5 लाख के आसपास। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। जितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होगा टेन्योर बढ़ता चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट यदि आपका जब बढ़ेगा तो टेन्योर थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपने गोल को डिसाइड कीजिए कि आपको कितने समय में कितना पैसा चाहिए, उसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर मंथ, तो इस हिसाब से। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो यदि आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो आपको जो है 1 करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, आपको सिंपल रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप शेयर मार्केट से जुड़ी नई नई चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।